हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव, एमबीबीएस एमडी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और आज मैं अपनी जो एमएस सीरीज है माइक्रो एंड एसपीएम, उसका पार्ट फर्स्ट बी अपलोड करने जा रहा हूँ। जो कल मैंने 5 क्वेश्चन अपलोड किए थे, आज इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। कितने क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, क्या आप गलती कर सकते हो, क्या आपको नहीं करनी है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। निमोनिक्स, फ्लो चार्ट्स, नई इन्फॉर्मेशन वो भी ऐड करी है। और ये सीरीज सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और जो स्टूडेंट ऑल इंडिया पीजी की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको आज के कंटेंट पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। तो एम एस सीरीज की स्टार्टिंग करते हैं। माँ सरस्वती, क्वेश्चन नंबर 1, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी? ऑप्शन ए कोरोना वैक्सीन, बी टाइफाइड वैक्सीन, सी मेनिंगोकोकल वैक्सीन, डी मीजल्स वैक्सीन। करेक्ट ऑप्शन इज मीजल वैक्सीन। तो इस क्वेश्चन को पूछने का एग्जामिनर का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि आपको ये बताओ कि कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन होती है जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं प्रेगनेंसी में, वो लाइव होती हैं कि किल्ड होती हैं कि दोनों होती हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं। एज ए रूल ऑफ थंब, द वैक्सीनेशन विथ लाइव वायरल और बैक्टीरिया वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। मीन्स कि चाहे वो वैक्सीन वायरल हो या वो बैक्टीरियल हो, लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो आपको ये कैच पॉइंट याद रखना है कि जितने भी लाइव वैक्सीन हैं, अदर दे आर बैक्टीरियल और वायरल, दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल इंडिया पीजी एंड वाइवा। अब आपको एक स्टोरी याद रखनी है। स्टोरी क्या है? ये एक बेबी है। कौन सी बेबी? सीला बेबी। सीला बेबी MMR को पोलियो एंड येलो फीवर हो गया था। तो आपको एक लाइन याद रखनी है। आपको लग रहा ना कि बेबी है, और बेबी के नाम क्या है? सीला। तो सीला बेबी MMR को पोलियो और येलो फीवर हो गया था, ठीक है। तो MMR एक नाम है, देन कैसे आपको याद रखना है? सीला। तो जैसे आपको बैक्टेरियोलॉजी में नाम याद कराए हैं, स्टाफ मतलब स्टाफ, बेबी मतलब बैसलस, तो यहाँ पर क्या है बायोलॉजी में सीला का मतलब वेरेसीला। तो पहले आपको वेरेसीला याद रखना है, बेबी मतलब BCG वैक्सीन, देन M मतलब मीजल्स, M मतलब मम्स, R मतलब रुबेला, P मतलब पोलियो मतलब पोलियोमेलिटिस, और येलो फीवर मतलब येलो फीवर। तो ये सारी वैक्सीन जो होती हैं, जो वेरेसीला वैक्सीन होती है, जो BCG वैक्सीन होती है, जो MMR मतलब मीजल मम्स एंड रुबेला और पोलियोमेलिटिस और येलो फीवर की वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। देन सेकेंड निमोनिक आपको कैसे याद रखना है? आपको सबको पता है कि MMR का मतलब क्या होता है? मीजल्स मम्स रुबेला, और वी मतलब वेरेसेला। तो कौन सा बेबी है? येलो बेबी। येलो बेबी को MMR और पोलियो की वैक्सीन देनी है। तो येलो मतलब येलो फीवर, बेबी मतलब BCG वैक्सीन, MMR मतलब मीजल मम्स रुबेला, और वी मतलब वेरेसेला। उसको कौन सी वैक्सीन देनी है? पोलियो की, पोलियो माइलिटिस। तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं कि चाहे वो बैक्टीरिया वैक्सीन हो, चाहे वो वायरल वैक्सीन हो, लाइव वैक्सीन हमेशा ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी के केस में। पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये निमोनिक याद रखना है, चाहे फर्स्ट वाला चाहे सेकंड वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एड्स डे 7 अप्रैल, 3 मई, 5 जून और 1 दिसंबर। तो आप सबको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे होते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे ऑल इंडिया पीजी में या वाइवा में पूछ लिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1 दिसंबर। तो आपको क्रैक करते हैं, कौन कौन से ऐसे डे हैं जिनको WHO ने हर डे अनाउंस किया है। तो
वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, टीबी डे 24 मार्च, देन वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। और ये डे बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन में जो WHO की थीम होती है वो अनाउंस होती है। वर्ल्ड नो तंबाकू डे 31 मई, देन वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 24 to 30 अप्रैल, देन वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई, देन एंटी लेप्रोसी 30 जनवरी, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई, देन डॉक्टर्स डे सबको याद होगा 1 जुलाई, और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी कब है 11 जुलाई को। तो आपको दोनों याद रखना है कि डॉक्टर्स डे और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे दोनों ही जुलाई को है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे 10 नवंबर, इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर, ओ फॉर ओल्डर और ओ मीन्स अक्टूबर की ह्यूमन राइट्स डे कब है 10 दिसंबर, और वर्ल्ड लिटरेसी डे 8 सितंबर। तो आपको ये सारे डे याद रखने हैं, और जो ये हेल्थ डे होते हैं ये जो जो पब्लिक हेल्थ इशू होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए WHO ने अनाउंस किया होता है। ऑल इंडिया पीजी 2016 का क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड रेबीज डे है वो आप सेलिब्रेट करते हो, लेकिन WHO की कमेटी ने इसको अनाउंस नहीं किया है। डज नॉट रिप्रेजेंट एन ऑफिशियल WHO हेल्थ डे एज मैंडेटेड बाई वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो ये आपको याद रखना है, 2 साल पहले पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन आपसे। देन वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाते हैं 28 सितंबर को। क्यों मनाते हैं कि 28 जो सितंबर होती है वो डेथ एनिवर्सरी होती है किसकी, लुई पाश्चर की। आपको पता है लुई पाश्चर के बारे में इम्पोर्टेंट थी, ही इज ए फ्रेंच केमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी रॉबर्ट कॉक, एल स्क्वायर, एल फॉर लुई पाश्चर, एल फॉर लिक्विड कल्चर मीडिया। और सॉलिड कल्चर मीडिया की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट कॉक ने। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो लुई पाश्चर है उसने 3 वैक्सीन की खोज डिस्कवरी की थी, कार। बताया आपको कि अगर आप कार में बैठ के जाओगे तो आपको क्या करेंगे, कुत्ते नहीं काटेंगे। सी फॉर कोला वैक्सीन, ए मीन्स एंथ्रैक्स और आर मीन्स रेबीज वैक्सीन। तो रेबीज वैक्सीन की जो उसने डिस्कवरी करी थी, इसी के ऑनर पर ही हम उसकी डेथ एनिवर्सरी को वर्ल्ड रेबीज डे के नाम से मनाते हैं 28 सितंबर। लेकिन 28 सितंबर जो वर्ल्ड रेबीज डे, WHO ने उसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो 2018 की पीजी में पूछा गया था। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था ऑल इंडिया पीजी में लास्ट ईयर कि सबसे पहले किस पेशेंट को रेबीज वैक्सीन दी थी, जोजफ मिस्टर। तो ये लाइन आपको बिल्कुल याद रखनी है। देन अदर क्वेश्चन पूछते हैं, आइडेंटिफाई द इमेज लुई पाश्चर। और जो WHO ने जो 2020 है उसको डेजिनेट कर रखा है द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ टू मेक द 200 एनिवर्सरी ऑफ बर्थ ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो सिंपल सी बात है, जो 7 अप्रैल होता है वर्ल्ड हेल्थ डे, उसको ही उस दिन WHO थीम अनाउंस करता है। और जो इस बार की जो ईयर है उसको द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के लिए अनाउंस किया गया है, ये WHO थीम है। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हर साल की आपको WHO की थीम पता होनी चाहिए एग्जाम देने से पहले। और WHO की थीम जो है, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल इंडिया पीजी। तो टेक होम मैसेज क्या है, टेक होम मैसेज ये है कि आपको इंपॉर्टेंट डेज सारे याद होने चाहिए और थीम याद होनी चाहिए। और वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से हर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट से पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इन टाइफाइड ए परमानेंट कैरियर इज वन हु स्क्रीड्स बेसिलाई फॉर मोर देन 3 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 1 ईयर, ऑप्शन डी 3 ईयर। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइफाइड के केस में कितने टाइप से कैरियर होते हैं और उनका ड्यूरेशन क्या होता है। करेक्ट ऑप्शन इज 1 ईयर। कैसे करेक्ट करते हैं, 3 टाइप से कैरियर होते हैं, कन्वर्सेंट कैरियर, टेम्परेरी कैरियर और क्रॉनिक। क्रॉनिक कैरियर को हम परमानेंट कैरियर भी कहते हैं। तो जो कन्वर्सेंट कैरियर है वो बेसलाइज सेट करते हैं आपका क्लिनिकल रिक्वायर 3 वीक्स टू 3 मंथ। तो आपको याद रखना है 3 वीक्स टू 3 मंथ। और जो टेम्परेरी कैरियर होते हैं वो 3 मंथ टू 1 ईयर, और जो परमानेंट कैरियर होते हैं या क्रॉनिक कैरियर होते हैं वो मोर देन 1 ईयर।
तो यही आपसे पूछा गया था, हो सकता है कभी परमानेंट पूछ लें, कभी क्रॉनिक कैरियर पूछ लें। तो 3 वीक्स टू 3 मंथ, 3 मंथ टू 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, ठीक है। तो वैसे भी आपको टेक होम मैसेज ये है कि हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है टाइफाइड के बारे में, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो लैब डायग्नोसिस हो, चाहे इसकी पैथोजेनेसिस हो, सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन पर बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और एक में जो ट्रेवल सीरीज भी अपलोड करने वाला हूँ कि आपको अगर साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन कंट्री जाना हो तो कैसे आप येलो फीवर का वैक्सीनेशन लोगे, कहाँ लोगे, किस जगह लोगे, क्या कॉस्ट है, जल्दी उसको अपलोड करने वाला हूँ। देन क्वेश्चन क्या है, द इंटरनेशनल क्वारंटाइन पीरियड फॉर येलो फीवर एज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज 6 डे, ऑप्शन बी 9 डे, सी 10 डे, ऑप्शन डी 12 डे। तो कितना क्वारंटाइन पीरियड होता है वो आपको बताना है, करेक्ट ऑप्शन ही 6 डे। अब आपको क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर नेट पीजी एम्स डीएनबी, द ट्रेवलर इज प्लेस्ड ऑन क्वारंटाइन फॉर 6 डे फ्रॉम द डेट ऑफ लिविंग एन इन्फेक्टेड एरिया। तो आपको याद रखना है क्वारंटाइन कितने दिन के लिए करना है, 6 डे। और वैसे भी आज के टाइम में क्वारंटाइन टर्म बहुत कॉमन हो गया है, क्वारंटाइन, लॉकडाउन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कितना, 6 डे का। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऑल ट्रेवलर्स इंक्लूडिंग इन्फेंट्स, चाहे वो बच्चे हों, एक्सपोज टू येलो फीवर और पासिंग थ्रू एंडेमिक जोन्स ऑफ येलो फीवर मस्ट, दिस इज ए वैलिड इंटरनेशनल सर्टिफिकेट फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट येलो फीवर बिफोर दे आर अलाउड टू एंटर येलो फीवर सेफ्टी एरिया लाइक इंडिया। तो आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट यह रखना है कि आपको इंडिया आने से पहले आपको एक इंटरनेशनल वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए, किस चीज़ का, येलो फीवर वैक्सीनेशन का। सिंपल सी बात होनी चाहिए, क्लियर कॉन्सेप्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस तरह का कुछ सर्टिफिकेट आपको मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। देन वैलिडिटी क्या होती है, इस लाइन पर बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो जो वैलिडिटी होती है सर्टिफिकेट की, 10 डे आफ्टर द डेट ऑफ वैक्सीनेशन, ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर, इमिडिएट नहीं मिलती है वैलिडिटी, 10 दिन आफ्टर द डेट ऑफ वैक्सीनेशन, और कितने दिन होता रहती है, एंड एक्सटेंड्स अप टू 10 ईयर। तो आपको 10 10 याद रखना है, ऐसा नहीं है कि आप आज वैक्सीनेशन कराने गए और आपकी वैलिडिटी आज से स्टार्ट हो जाएगी, नहीं, 10 डेज आफ्टर द डेट ऑफ वैक्सीनेशन एंड एक्सटेंड्स अप टू 10 ईयर्स। क्यों मैं इस बात पर बार बार स्ट्रेस डाल रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है, वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट बिगेंस इमिडिएटली आफ्टर डेट ऑफ वैक्सीनेशन, मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है पीजी में, जो ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, नो, नेवर, इमिडिएटली नहीं होती है, कितने दिनों की बात होती है, 10 दिनों की बात होती है। देन अगर आपको रीवैक्सीनेशन करवाना है परफॉर्म बिफोर द एंड ऑफ वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट, रेंडर्स द सर्टिफिकेट वैलिड फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 10 ईयर स्टार्टिंग ऑफ द डे ऑफ रीवैक्सीनेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो रीवैक्सीनेशन है वो तो आपकी वैलिडिटी उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन से आप रीवैक्सीनेशन कराते हो, और कितने दिनों के लिए, 10 साल के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन कराने जा रहे हो तो जो वैलिडिटी स्टार्ट होती है वो कब से होती है, 10 डेज आफ्टर द डेट ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है। दोनों में 10 10 ईयर्स रहती है, लेकिन अगर आप जी वैक्सीनेशन कराने जा रहे हो तो सेम डे ही से ही आपकी वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल इंडिया पीजी। इफ नो सच सर्टिफिकेट इज अवेलेबल, और अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल नहीं है, देन द ट्रेवलर इज प्लेस्ड ऑन क्वारंटाइन फॉर 6 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लिविंग ऑन इन्फेक्टेड एरिया। तो ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 6 डे क्वारंटाइन में रहना है, और आपको जो सर्टिफिकेट जो वैलिड होता है वो 10 दिन के बाद होता है, 10 साल तक होता है, और आपको अगर रीवैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेना है तो सेम डे से वैलिड होता है 10 साल के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल इंडिया पीजी एंड सेकेंड ईयर। तो टेक होम मैसेज क्या है कि येलो फीवर के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। नेट पीजी डीएनबी एम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ये तो केवल एक ही पार्ट था, और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि येलो फीवर पर। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग वैक्सीन इज डेवलप अगेंस्ट कोलरा, ऑप्शन ए डुक
ड कॉलर, बी वी आई पॉलीसेक्राइड, सी एस ए 14-142, डी नन। तो एग्जामिनर को इस क्वेश्चन को पूछने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि आपको पता हो कि कोला की कौन कौन सी वैक्सीन होती है, क्या उसका ब्रांड नेम है, और लास्ट ईयर सेकेंड ईयर प्रोफेशनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था जो स्टूडेंट सी से यूनिवर्सिटी से हैं। क्लियर? तो दो टाइप्स की वैक्सीन होती है, एक किड ओरल वैक्सीन होती है, दूसरी लाइव ओरल वैक्सीन होती है। बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं RNDPG में, और जो किड ओरल वैक्सीन होती है वो दो तरीके से होती है, या तो वोलसेर वैक्सीन होगी, WCV बोलते हैं, ठीक है, या वोलसेर रिकॉम्बिनेंट 20 सब यूनिट कोरोना वैक्सीन, मीन्स WC वैक्सीन तो होगी होगी, साथ में उसमें रिकॉम्बिनेंट 20 सब यूनिट का भी पार्ट अटैच होगा, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, WC मतलब होलसेल और R मतलब रिकॉम्बिनेंट, B मतलब 20 सब यूनिट कोरोना वैक्सीन, लेकिन दोनों ही ओरल होती हैं। पहले इंपॉर्टेंट बात देख लो आप, किड ओरल और लाइव ओरल वैक्सीन। जो WC वैक्सीन होती है वो बाईवेलेंट वैक्सीन होती है, पहले आप समझो कि वैक्सीन कैसी होती है, बाईवेलेंट वैक्सीन होती है, और उसका जो ब्रांड नेम है उसको सेंकोर या MORC वैक्स बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों बाईवेलेंट वैक्सीन बोल रहे हैं, क्योंकि किल्ड होल सेल्स ऑफ विब्रियो कोला O1 एंड O139 इन दोनों से ही मिलके बनी होती है। तो आपको सिंपल सिंपल बताना है कि WC वैक्सीन होती है वो क्या होती है, बाईवेलेंट वैक्सीन होती है, ठीक है, और ब्रांड नेम क्या है, सेंकोर एंड MORC वैक्स। तो ये याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कौन कौन सा होता है, कोला O1 और O139, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है कि जो लेस देन 1 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनको हम नहीं देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स क्या होता है, 2 डोज, सबका ही 2 डोज है आपको रखना है, लेकिन एट एन इंटरवल ऑफ 2 वीक्स। तो ये आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर फॉर फर्स्ट 6 मंथ आप दे दी वैक्सीनेशन, जो प्रोटेक्शन रेट होता है कितना होता है, 66-67% फॉर 2 ईयर्स। देन जो WCRBS वैक्सीन होती है, मतलब होल सेल रिकॉम्बिनेट 20 सब यूनिट कोरोना वैक्सीन होती है, दोनों का कंपोजिशन सेम होता है, लेकिन साथ में जो WC वैक्सीन होती है उसके साथ क्या होता है, अलोंग विद रिकॉम्बिनेंट कोरोना टॉक्सिन 20 सब यूनिट, इसलिए इसको कहते हैं WC होल सेल, आर मीन्स रिकॉम्बिनेट, बी मीन्स बी, एस मीन्स सब यूनिट। तो आपको याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये इसका नाम क्या है, डक ओरल, यही आपसे पूछा गया था कि कौन सी वैक्सीन कोला की है, डक ओरल, ये कैसी वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, और ये कैसी वैक्सीन है, किल्ड ओरल वैक्सीन है, और ये कैसी है, मोनोवेलेंट, वो कैसी थी, बाईवेलेंट, ये कैसी है, मोनोवेलेंट। और इसका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ये है कि लेस देन 2 ईयर्स के बच्चों में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रेन लेस देन 2 ईयर्स, ठीक है, वहाँ 1 ईयर था, यहाँ पर 2 ईयर था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि दोनों में ही डोज क्या है, 2 डोज हैं, लेकिन इसमें मिनिमम 1-2 मैक्सिमम 6 वीक्स ए पार्ट, इतना मैक्सिमम गैप होना चाहिए। तो आपको दोनों वैक्सीन याद रखनी है, दोनों के ब्रांड नेम याद रखने हैं, और दोनों में इंटरवल। प्रोटेक्शन रेट उसमें 65% था, इसमें कितना है, 85-90% है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूजन ना हो कि WCRBS जो वैक्सीन होती है इसको डकलोर कहते हैं, और ये कैसी होती है, मोनोवेलेंट होती है। देन सेकेंड वैक्सीन है लाइव ओरल वैक्सीन, ये रिकॉम्बिनेंट DNA वैक्सीन विद एक्सप्रेशन ऑफ विब्रियो कोला इन एटीन्यूटेड स्ट्रेन TY20A ऑफ सलमोनेला टाइफी। तो आपको ये ऐसे ही याद रखना है, ये लाइव ओरल वैक्सीन कैसी होती है, रिकॉम्बिनेंट DNA वैक्सीन होती है, और जो ये वैक्सीन होती है जो पेयर पैचेस होते हैं उनको कॉलोनाइज कर लेती है, और IgA रिस्पॉन्स होता है उसको इंड्यूस करती है बाई लोकल इम्यूनिटी। तो आपको नाम नाम याद रखना है, और एक लाइन याद रखनी है, ये पेयर पैचेस को कॉलोनाइज करती है जिससे कि IgA रिस्पॉन्स इंड्यूस होता है, ठीक है, एंड इंड्यूसेस IgA रिस्पॉन्स बाई लोकल इम्यूनिटी। और जो थर्ड ऑप्शन था SA14-142, ये एक सेल कल्चर ड्राइव
लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, और किसके लिए यूज करते हैं, जेई मीन्स जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, सेल कल्चर ड्राइव है और जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए यूज करते हैं। प्राइमरी इम्यूनेशन इज गिवन बाई ए सिंगल डोज फॉलोड बाई ए बूस्टर आफ्टर 1 ईयर। तो सिंगल डोज देते हैं, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात, 10 से 12 साल के लिए प्रोटेक्शन मिल जाता है, मे अचीव विद ए सिंगल डोज ऑफ वैक्सीन। तो आपको याद रखना है SC14142 यूज फॉर जापानी इंसेफेलाइटिस, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, और आपको प्राइमरी इम्यूनाइजेशन से एक सिंगल डोज इज प्राइमरी इम्यूनाइजेशन इज गिवन बाई ए सिंगल डोज। और कितने साल के लिए प्रोटेक्शन मिलाता है, 10 to 12 ईयर्स के लिए प्रोटेक्शन आपको मिलाता है। टेक होम मैसेज क्या है कि वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल इंडिया पीजी, नीट पीजी, सो मेनी क्वेश्चंस आर फ्रेम, और सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में आपको माइक्रो का वाइवा और SPM का वाइवा बिना वैक्सीन से नहीं होता है। SPM की जो स्पॉटिंग होती है उसमें भी वैक्सीन रखी होती है स्पॉट्स में, और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का कोई भी बच्चा बिना वैक्सीन की वाइवा से पास नहीं हो सकता है। और सेकेंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी बहुत सारे शॉर्ट नोट्स आते हैं इस चैप्टर से। जो टॉपिक वाइज सीरीज आ रही है उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको आज के चैनल के एक्सप्रेशन पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।